गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता, एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो, मैं तो यही कह सकता हूँ सद्बुद्धि आई। कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो। हिंदी पट्टी के तीन राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी की महाविजय ने 2024 के चुनाव में विपक्ष के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। जब विधानसभा चुनाव में मोदी का ब्रांड इस तरह विपक्ष को खत्म कर रहा है, तो लोकसभा चुनाव में जब मोदी खुद अपने प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव में उतरेंगे, तो उस समय विपक्ष की हालत क्या होगी, ये समझ पाना मुश्किल नहीं है। लेकिन विपक्ष अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई नहीं लड़ रहा। विपक्ष अपने ही गठबंधन के अंदर एक दूसरे के साथ शहमात और शतरंज के खेल में जुटा नजर आता है। करीब 2.5 महीने के बाद इंडी गठबंधन की अहम बैठक हुई है, लेकिन इस अहम बैठक में अब भी ये तय नहीं हो पाया है कि किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें दी जाएंगी। पूरे देश के राजनीतिक मोर्चे पर इस वक्त चौतरफा जंग लड़ी जा रही है। एक तरफ संसद के अंदर 140 से ज्यादा सांसदों को बर्खास्त कर दिया गया है, दूसरी तरफ विपक्ष के एक सांसद देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ की न सिर्फ नकल उतार रहे हैं, बल्कि राहुल गांधी इस मिमिक्री की मोबाइल पर वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। तीसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के व्यवहार पर बयान जारी कर विपक्ष की निंदा कर रहे हैं, और राजनीति के चौथे मोर्चे पर इंडी गठबंधन के अंदर क्षेत्रीय दलों और राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के बीच वर्चस्व की जंग चल रही है। आखिर संसद परिसर में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री किए जाने पर किस तरह का राजनीतिक संघर्ष छिड़ गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे घटनाक्रम पर क्या प्रतिक्रिया दी है, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली में हुई इंडिया अलायंस की उस बैठक का, जो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन बनाने की कठिन चुनौती का सामना कर रही है। 3 दिसंबर के नतीजों ने पूरे विपक्ष को बैकफुट पर ला दिया था, और खासकर कांग्रेस पार्टी को तो संभलने का मौका भी नहीं था। इसीलिए दिल्ली में हुई इंडी गठबंधन की बैठक में देश के हर वो बड़े नेता शामिल हुए जिनके मन में बस एक ही संकल्प है, किसी तरह प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से बाहर करो। हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। कांग्रेस पार्टी को उम्मीद थी कि इसमें अच्छा प्रदर्शन करके वो सहयोगी दलों के सामने ठसक के साथ अपनी बात रखेगी और ज्यादा से ज्यादा सीट बंटवारे में हासिल कर लेगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे और बीजेपी के विजय रथ ने उसके अरमानों पर पानी फेर दिया। बैठक में सोनिया गांधी आईं, राहुल गांधी आए, अरविंद केजरीवाल पहुंचे, शरद पवार बैठक में शामिल हुए, दक्षिण भारत से बड़े चेहरे स्टालिन ने बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसके अलावा बिहार से लालू यादव, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार भी बैठक में शामिल हुए, और यूपी के मोर्चे पर अखिलेश यादव ने ताल ठोंकी। लेकिन विपक्ष के तमाम नेताओं में खास नजरें ममता बनर्जी पर टिकी रहीं। इंडिया गठबंधन की बैठक में सबसे मुश्किल सवाल यह था कि आखिर देश भर में किस तरह से सीटों का बंटवारा किया जाए। कांग्रेस पार्टी को कई राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों से सीट बंटवारे को लेकर मुश्किल हालात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इस मुश्किल में सबसे बड़ा रोड़ा, या यूं कहें सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। दरअसल ममता बनर्जी चाहती हैं कि सीट शेयरिंग में जिस राज्य में जो दल शक्तिशाली है, उसी राजनीतिक दल के मुताबिक उस राज्य में गठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा किया जाए। ममता बनर्जी का सीधा सीधा कहना यह है कि बिहार में गठबंधन में किस पार्टी को कितनी सीटें दी जाए, इस फैसले में नीतीश और तेजस्वी को वरीयता दी जाए।
महाराष्ट्र में गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के फैसले को वरीयता दी जाए। इसी तरह उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव की सलाह को अंतिम माना जाए। इसी तरह पंजाब और दिल्ली में केजरीवाल की सलाह को अहमियत देते हुए सीटों का बंटवारा हो और बंगाल में खुद ममता बनर्जी सीटों का बंटवारा करना चाहती हैं, यानी ममता बनर्जी के हिसाब से गठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा हो। आखिर ममता बनर्जी के सीट शेयरिंग वाले फॉर्मूले में ममता बनर्जी का फायदा कहां है, ये पूरी राजनीति हम आपको समझाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए बीजेपी किस तरह विपक्षी दलों के गठबंधन को मोदी की गारंटी के सामने बेहद कमजोर बता रही है। क्लियर कट मिशन और विजन अंडरलाइंस व्हाट इज मोदी की गारंटी। एक तरफ तो मोदी की गारंटी में मिशन और विजन, और दूसरी तरफ हम देखते हैं ऐसी ऐसी तस्वीरें जो लोग एक दूसरे के साथ लगातार लड़ते आए हैं, आजकल वो हाथ में हाथ डाले दल से दल को मिला तो रहे हैं परंतु दिल से दिल नहीं मिल पाते। दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं के बीच प्रधानमंत्री पद की रेस भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। नीतीश के समर्थक नीतीश को पीएम बनाने के लिए पोस्टर लगा रहे हैं। सूत्रों की माने तो ममता और केजरीवाल खड़गे को प्रधानमंत्री पद के लिए सही उम्मीदवार बता रहे हैं, लेकिन क्या 2024 तक इस पर कोई सहमति हो पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। सभी लोग मिलकर काम करेंगे और सीट शेयरिंग का भी हम मिलके पहले जिस जिस स्टेट में हमारे लोग हैं पहले वो लोग वहाँ पर एक दूसरे से समझौता करेंगे। अगर कहीं दिक्कत है या कहीं अभी नहीं बन सकता उसके लिए फिर यहाँ पर हमारे जो इंडिया गठबंधन के नेता लोग हैं उसको वो डिसाइड करेंगे। कौन प्रपोज किया? ममता जी ने जानकारी आ रही है। ममता जी ने आपसे यार जो थे वहाँ पे मीटिंग में उनको पता नहीं, आपको बताए तो आप ही जवाब दे। कोई फाइनल डिसीजन अभी नहीं हुआ है, अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है, अभी नाम तय नहीं हुआ है, बस अभी खाली प्रपोजल्स आए हैं। और मतलब प्रपोजल्स नहीं, वो सब मिल बैठ के बाद में होगा, चुनाव जीतने के बाद होगा, ऐसा सब लोगों ने कहा। मोदी के बड़े पावरफुल राजनीतिक कद के सामने विपक्ष बौना नजर आने लगा है और ऐसे में ममता बनर्जी का सीट शेयरिंग वाला फॉर्मूला कांग्रेस को बेचैन करने वाला है। दरअसल ममता बनर्जी ने सीट शेयरिंग में सभी क्षेत्रीय दलों की बातों को प्रमुखता से सुनने के लिए कहा है। इससे अगर सबसे तगड़ा नुकसान किसी पार्टी का होगा तो वो कांग्रेस पार्टी है। इससे फायदा ममता बनर्जी का भी है क्योंकि क्षेत्रीय दलों की बातों को कांग्रेस के सामने रखकर दरअसल वो खुद भी क्षेत्रीय दलों का अगवा साबित कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दलों के नेता भी अपने प्रभाव वाले इलाकों में ज्यादा सीटें मांग रहे हैं और ममता के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी, और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। सहमति बन गई है, बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। ममता बनर्जी जिस सीट शेयरिंग फॉर्मूले को आगे बढ़ा रही हैं, उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को बंगाल में बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। क्योंकि लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजों की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। इस बार सवाल यह है कि ममता बनर्जी कांग्रेस के लिए कितनी सीटें छोड़ेंगी। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के लिए रीजनल पार्टियों से तालमेल बैठा पाना आसान नहीं है। Somebody must play the catch. Meaning, I don't have any problem if they have the genuine things. But Bengal, you know that they have only 2 seats. Now, I am open to talk. I am open to discuss.
नहीं, अगर बंगाल का उदाहरण लें तो साल 2019 के लोकसभा चुनाव में लेफ्ट पार्टियों को एक भी सीट नहीं मिली थी। तो ऐसी स्थिति में सवाल ये है कि क्या सीट शेयरिंग में लेफ्ट पार्टियों को जगह मिलेगी या नहीं, क्योंकि इंडिया गठबंधन में तो लेफ्ट पार्टियां भी शामिल हैं। अगर ममता बनर्जी के फॉर्मूले से सीट शेयरिंग की जाएगी तो कांग्रेस पार्टी को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में बहुत तगड़ा झटका लग सकता है। और गठबंधन में यही कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी मुश्किल और सबसे बड़ी चिंता है। अरे भाई, कुछ नहीं था, फोटो सेशन का चौथा मीटिंग थी। अच्छा, फोटो सेशन हुआ और उसमें सबसे बड़ी बात हुई कि लालू जी और नीतीश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं रहे, बायकट करके निकल गए। हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। कांग्रेस पार्टी को उम्मीद थी कि इसमें अच्छा प्रदर्शन करके वो सहयोगी दलों के सामने ठसक के साथ अपनी बात रखेगी और ज्यादा से ज्यादा सीट बंटवारे में हासिल कर लेगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे और बीजेपी के विजय रथ ने उसके अरमानों पर पानी फेर दिया। चुनाव नतीजों का पहला असर ये हुआ कि 6 दिसंबर को बुलाई गई इंडी गठबंधन की बैठक को रद्द कर दिया गया और उसके बाद कांग्रेस पार्टी की स्थिति लगातार कमजोर होती चली गई। सबसे अहम बात यह है कि इस गठबंधन की बैठक में राहुल गांधी और ममता बनर्जी बिल्कुल पास ही बैठे हुए थे और ममता बनर्जी का वो पुराना बयान हर किसी को याद है जब उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी की असली ताकत राहुल गांधी हैं, यानी तमाम विवादों और खींचतान से आगे बढ़ते हुए गठबंधन के लिए सीट शेयरिंग कर पाना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। Little bit criticism is although here and there, of course, because we are 20-25-26 parties. Main focus was to finalize the seat sharing. कांग्रेस पार्टी की स्थिति इसलिए भी नाजुक बनी हुई है क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रखती है। कांग्रेस ने देश पर दशकों तक हुकूमत की है, ऐसे में कांग्रेस को अपनी महत्वाकांक्षाओं को दबाकर रखना आसान नहीं होगा। ममता बनर्जी के फॉर्मूले से देखा जाए और दिल्ली का उदाहरण ले तो दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की ही बात अंतिम मानी जाएगी कि कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में कितनी सीटें दी जाएं। इस अपमान को क्या कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। अच्छा रहा, अभी शुरू होगा, कैंपेन भी शुरू होगा, सीट शेयरिंग भी होगी, सब होगा। कन्वीनर को लेकर सर कोई चुना गया, कन्वीनर को लेकर कोई बात हुई सर? नहीं अभी। दिल्ली में इंडी गठबंधन की बैठक राजनीति का एक मोर्चा है, लेकिन राजनीति का दूसरा सबसे बड़ा मोर्चा इस वक्त संसद के अंदर चल रहा है जहां पर शीतकालीन सत्र में 140 से ज्यादा सांसदों को अब तक बर्खास्त किया जा चुका है। अब कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगा रही है और प्रधानमंत्री सांसदों के आचरण पर चिंता जता रहे हैं। आखिर प्रधानमंत्री ने किस तरह विपक्ष को आईना दिखाया है, प्रधानमंत्री का पूरा बयान आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए सांसदों की बर्खास्तगी पर विपक्ष के तेवर कितने तल्ख नजर आ रहे हैं। बड़ी दुख की बात है कि सदन के दोनों स्पीकर और चेयरमैन साहब तो एमपीज को प्रोटेक्शन न करते हुए उनको मनमाने सस्पेंड किया गया और आज तक ये देश के इतिहास में पहली बार है कि आज कितने लोगों को उन्होंने सस्पेंड किया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में कहा है कि इंडी गठबंधन का लक्ष्य हमारी सरकार को उखाड़ फेंकना है, लेकिन हमारी सरकार का लक्ष्य देश के लिए उज्जवल भविष्य बनाना है। लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले सभी लोगों को संयुक्त रूप से संसद में सुरक्षा उल्लंघन की निंदा करनी चाहिए। विपक्ष का आचरण सुनिश्चित करेगा कि 2024 के चुनावों में उसकी संख्या कम होगी और बीजेपी की संख्या में इजाफा होगा। विधानसभा चुनाव में हार से विपक्ष बौखला गया है और हताशा में संसद को बाधित कर रहा है। संसदीय परंपराओं के इतिहास में आज एक ऐसी घटना भी हुई जिसमें राज्यसभा के अध्यक्ष पद की कुर्सी का अपमान हुआ। दरअसल टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने संसद परिसर के अंदर विरोध प्रदर्शन के दौरान राज्यसभा के अध्यक्ष
जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की, यानी उनकी नकल उतार कर उनका मजाक उड़ाया। जब जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाया जा रहा था, तब राहुल गांधी मोबाइल पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। उस वक्त वहां पर मौजूद तमाम विपक्षी सांसद कल्याण बनर्जी की मिमिक्री पर और राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाए जाने पर ठहाके लगा रहे थे। अब बीजेपी ने इस मुद्दे को जातीय स्वाभिमान से जोड़ दिया है। जाट एसोसिएशन नामक एक एक्स हैंडल ने पोस्ट किया है कि कांग्रेसी तत्वों के द्वारा देश के उपराष्ट्रपति और जाट समाज के गौरव जगदीप धनखड़ साहब की खिल्ली उड़ाई गई है। इसका हिसाब जाट समाज आने वाले लोकसभा चुनाव में जरूर करेगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी मांग की है कि इंडी गठबंधन इस मुद्दे पर फौरन जगदीप धनखड़ से माफी मांगे। इधर कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी और उनके सब मित्र मिलके जो ड्रामा किया है, उपराष्ट्रपति के जो मिमिक्री किया है, उसका मैं खंडन करता हूँ। ऐसे तो ये इंडी गठबंधन जो है एक टूरिंग टॉकिस तो ही है। आप जब एक जगह एक नगर में एक बार, दूसरी नगर में एक बार, ऐसे तो ड्रामा करते हैं, लेकिन ये ड्रामा टॉकीज में अभी मिमिक्री शुरू कर दिया है। इसका व्यवहार देखिए, इफ़ दे हैव ए गुड सेंस थोड़ा भी है तो माफ़ी मांगना चाहिए। जाट बहुल क्षेत्र माने जाने वाले मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने भी कल्याण बनर्जी के व्यवहार को नाकाबिले बर्दाश्त बताया है। देखिए, वो इतना सवाल उठाते हैं, कुछ अजीब सा बिहेव करते हैं, तो इसके लिए उनको सस्पेंड किया गया ना। सस्पेंड किया तो कुछ तो उन लोग गलत काम कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट रूल्स करना चाहिए काम, वो नहीं करते हैं तो निकल, सस्पेंड किया तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है, सही है। वो कारण है, उनका वही मकसद है, कैसे भी करके पार्लियामेंट नहीं चलाना है। जगदीप धनखड़ ने खुद भी विपक्ष के आचरण की निंदा की है। कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो, मैं तो यही कह सकता हूं सद्बुद्धि आई। कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो। कुल मिलाकर ये लड़ाई अब और तेज होने वाली है, क्योंकि 2024 का चुनाव विपक्ष के लिए करो या मरो की जंग है।